इन्वेस्टिगेशन जो लगातार जारी है। आपको बताएं इस पूरे मामले में संदीप घोष से पूछताछ हो रही, जो पूर्व प्रिंसिपल है, आज भी पूछताछ का वो सिलसिला जारी रहेगा, आठवें दिन भी। लेकिन आज देखना यह है कि संजय रॉय की जो रिमांड खत्म हो रही है, जब आज सीबीआई की टीम कोर्ट में पेश करेगी तो कितने और दिनों की रिमांड मांगी जाती है। जो अभी अपडेट आ रहा है वो आपको बता दें, सियालदा कोर्ट लेकर की टीम रवाना हो चुकी है। अनामिका सब तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, बड़ी खबर सामने आ रही है, आरोपी संजय रॉय को कोर्ट लाया गया है, क्या खबर मिल रही है, क्या अपडेट? देखिए, संजय रॉय की जो कस्टडी है वो आज खत्म हो रही है, लिहाजा उसे फिर से कोर्ट में पेश करना है। बेशक जो कस्टडी है वो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ अहम जो जानकारी निकल के सामने आती है। दूसरी बड़ी बात ये कि शाम 5:30 बजे पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर के भी यहाँ पे बात निकल के सामने आ रही है। तो बहुत सारी बातें जो है वो आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान तय हो जाएंगी। फिलहाल इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि कोलकाता में मौसम बहुत खराब हो गया है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी जो प्रदर्शन है बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए वो यहाँ पे लगातार चल रहा है। आप देख पा रही होंगे मेरे ठीक पीछे कि जहाँ पे हमारी मौजूदगी है श्याम बाजार, यहाँ पे लगातार बीते कई दिनों से बीजेपी की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आज भी यहाँ पर भारी बारिश के बीच भी तमाम जो कार्यकर्ता है, अलग अलग छोटी छोटी पोलिटिकल पार्टीज के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो आम लोग हो, सभी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए शेडो में जो लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो जहाँ पे एक तरफ संजय रॉय को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, दूसरी ओर जो बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए प्रदर्शन है कोलकाता की सड़कों पर आज भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आज भारी बारिश के चलते लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे, लेकिन जो आज शेडो बनाया गया था, इस शेडो में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। लगातार इनकी ओर से यही मांग की जा रही है कि जो संजय रॉय है जिसको शुरुआत में बचाने का प्रयास किया गया, अब पूरे मामले में चूंकि कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है तो बिटिया को न्याय मिले, न्याय मिलने के साथ साथ आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और इसी को लेकर की लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आज मौसम खराब है तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि श्याम बाजार से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्वास्थ्य भवन तक जा पाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। इस बीच जो है पीड़िता के चारों दोस्त जिन्होंने उस रात उसके साथ खाना खाया था, उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। संदीप घोष जो कि एक्स प्रिंसिपल है, उनसे लगातार कई दिनों से पूछताछ की जा रही है और आज भी ये पूछताछ लगातार जारी है। तो जो इस पूरे मामले में कानूनी दाव पेच है उसके साथ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो प्रदर्शन है, जो नाराजगी है, जो जो आप बता रही प्रदर्शन और नाराजगी भी चल रही है, संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया है। और बड़ी बात यह है कि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ साथ उन चार किरदारों की भी पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई यहाँ सीबीआई को, जो उस दिन पीड़िता के साथ डिनर कर रहे थे, शाम के वक्त मौजूद थे। तो उनसे भी अब सच को लेकर पूछताछ होगी और तह तक जाने की कोशिश होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वो सच सामने आने वाला है जिसको लेकर सीबीआई लंबे समय से कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। दरअसल सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले चार डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है और ये भी तय हो गया कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा। फिर चाहे वो आरोपी संजय रॉय हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष। इस केस के खुलासे के लिए इन सभी किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 से 9 अगस्त की रात को घटी वारदात की हकीकत सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रही है और इसी वजह से सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और उन चार डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ छिपा तो जरूर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस वारदात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें टीम ने दावा किया कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हीं संदिग्धों की इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। इतना ही नहीं, इस स्टेटस रिपोर्ट में उन 25 किरदारों का भी जिक्र किया गया जो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के केस में जिन किरदारों को सीधे तौर पर शक के दायरे में रखा गया उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले चार साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल है।
सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी कहा, वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप कांड की हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देकर जांच की दिशा उलझा रहे हैं और इसी वजह से सीबीआई उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। इधर कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत देने के साथ ही अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया, जिसमें साफ है कि सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई लीपापोती की निशानदेही कर ली है और अब उम्मीद है कि जल्द इस केस के असली गुनहगारों के चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे होता है ये पॉलीग्राफी टेस्ट। दरअसल व्यक्ति को एक मशीन से इसमें जोड़ा जाता है और इसके बाद परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं, वो तमाम सवाल जिसको लेकर के जवाब स्पष्ट मिले इसकी कोशिश होती है। मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है, उस वक्त क्या कुछ हलचल है, किस तरह से हार्ट बीट्स हैं, वो तमाम चीज़ों को इसमें देखा जाता है। इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, तमाम चीज़ों को देखा जाता है। मशीन से सांस लेने की दर भी मापी जाती है, यानी सैचुरेशन रेट क्या है उस वक्त ये देखा जाता है। झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, ये रीडिंग्स बदल जाती हैं और इसी से पता लगता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे समझ में आता है कि जो जवाब दिया जा रहा है वो सही नहीं है। टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है कि ये इसमें रीडिंग्स आई हैं, ये सवाल है, इसको इस तरीके से उस दौरान जो शरीर की प्रतिक्रिया है वो रही है और इसी से समझ में आता है कि जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करते हैं क्योंकि इस पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, संजय रॉय से 3 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। आरोपी संजय रॉय, जिसको आज कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है, सीबीआई दफ्तर आज 8वें दिन पूछताछ भी कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो अपडेट आ रहा है कि इस पूरे मामले में यह जानना जरूरी है कि उस दिन कौन कौन लोग थे, क्योंकि संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है लेकिन उसका साथ किसने दिया ये जानना जरूरी है। तो संजय रॉय से एक तरफ पूछताछ जारी है, संदीप घोष से एक तरफ पूछताछ जारी है, अरूप दत्ता से लगातार पूछताछ जारी है और इसीलिए अब ये देखना है ये कड़ियां कहां से जाकर के जुड़ती हैं, क्योंकि इस मामले में पुलिस की भूमिका संदेहास्पद रही। पुलिस को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई। सबसे अहम कि जो सबूत है उनको कैसे नष्ट करने की कोशिशें की गई, ये तमाम चीजें जो अब निकलकर सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि कल ही चूंकि कोर्ट ने पॉलीग्राफी की मंजूरी दी थी और संजय रॉय से इस वक्त 3 घंटे से पूछताछ जारी है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, जो कि नेपाल से सामने आ रही है और कई यात्रियों की मौत हो चुकी, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। अपडेट आपको बता दें, इस वक्त के नेपाल बस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 40 भारतीय यात्री सवार थे बस में।